अक्सर आप लोग YouTube चैनल तो बना लेते हो लेकिन उसमें बहुत सारी गलतियां कर देते हो, जिस वजह से आपके वीडियोस पे व्यूज ही नहीं आते और आपका चैनल भी ग्रो नहीं हो पाता है। तो आज के इस वीडियो पे मैं आपको सिखाने वाला YouTube चैनल को सही तरीके से बनाना, जिससे कि आप बहुत ही कम समय में अपने चैनल को ग्रो कर सको। तो बिना टाइम वेस्ट के गाइस इस वीडियो पे बने रहो और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो YouTube चैनल को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को चाहिए एक जीमेल आईडी। तो लोग जीमेल आईडी बनाने में भी गलतियां कर देते हैं, तो मैं आपको सही तरीका बताने वाला हूं। बस आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरी देखो तो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोगों को ओपन कर लेना है अपना जीमेल एप्लीकेशन। तो ओपन करोगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा, तो सिंपली आपको यहाँ पे नीचे स्किप कर देना है। स्किप करने के बाद आपको यहाँ पे एड एन ईमेल एड्रेस पूछ रहा है, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करोगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा, तो सिंपली आपको गूगल वाले पे क्लिक करना है। सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन था गूगल, उस पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख जाता है क्रिएट अकाउंट, यहाँ पे देख सकते हो, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद ये तीन ऑप्शन दिखेगा, तो आपको क्लिक करना है फॉर माई सेल्फ, ठीक है। ये पहला वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पे पूछेगा नेम, तो आपका जो भी नेम है आपको यहाँ पे अपना नेम दे देना है, ठीक है। अपना नेम देना है, ये नहीं कि जो चैनल का नेम रखेंगे वो नहीं देना है, अपना नाम देना है। तो मेरा नाम अमित है, तो मैं यहाँ पे अमित लिख दे रहा और नीचे सरनेम में कुमार लिख दे रहा, ठीक है। तो ये वाला नेम लिख लेने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, डेट ऑफ बर्थ जब भी आप डाल रहे हो ना तो 18 साल से ऊपर ही डालना, ठीक है, कम मत डालना, 18 से ऊपर डालना आपको। तो मैं यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में डाल दे रहा है, ठीक है, लेकिन ईयर पे आपको ध्यान देना है, ठीक है, ईयर आपका 18 साल से ऊपर होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे 1998 डाल दे रहा है, ठीक है। इतना करने के बाद आपको यहाँ से जेंडर पूछ रहा है, तो आप मेल हो तो मेल लिख कर लेना, फीमेल हो तो फीमेल कर लेना, या फिर आपका तीसरा ऑप्शन है रेदर अदर टू से वो वाला सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे नेक्स्ट नीचे दिख रहा है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से एक ईमेल आईडी मतलब कि यूजर नेम पूछा जाएगा, तो आप यहाँ से ट्राई कर लो, जो अवेलेबल रहेगा वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो जैसे कि मेरा नाम अमित है, तो मैं यहाँ पे अमित लिख लेता हूँ और कुमार लिख लेता हूँ, और इसके बाद अगर यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं तो देख सकते हो ये यूजर नेम किसी ने ऑलरेडी लेके रखा है, ठीक है, तो ये अवेलेबल अभी नहीं है। तो इसके बाद हम लोग कोई सा भी नंबर ऐसे रैंडमली टाइप कर देंगे और यहाँ पे नीचे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। बस आपको ईमेल आईडी याद रखना है, ठीक है, तो आप अपने हिसाब से आसान तरीके से उसको यूजर नेम डालना जो कि आपको याद रहे, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पे एक पासवर्ड डालेंगे, तो पासवर्ड में जल्दी जल्दी यहाँ से डाल दे रहा। ओके, पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देख सकते हो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो ऐड फोन नंबर पूछ रहा है, तो हमको यहाँ पे अपना फोन नंबर ऐड नहीं करना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ऐड मत करना। ओके, तो यहाँ पे नीचे देख सकते हो दो ऑप्शन आपको दिख रहा है, स्किप एंड यस आई एम इन, तो सिंपली आपको स्किप पे क्लिक कर देना है। स्किप पे क्लिक करोगे तो आपने जो देखो आपने जो नाम रखा था और आपका यूजर नेम यहाँ पे दिख रहा है दोनों, मतलब की ईमेल आईडी, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, तो इसको थोड़ा सा स्लाइड ऊपर की तरफ करोगे ऐसे कुछ इस तरीके के, तो नीचे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा आई एग्री, ठीक है, तो आई एग्री पे आपको क्लिक कर देना है। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा, आपके इंटरनेट के ऊपर ये डिपेंड करेगा, और देख रहा हूँ ये गूगल सर्विसेज थोड़ा सा और लोडिंग ले रहा है, और उसके बाद ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद सिंपली इसको बंद कर देना, ऑफ कर देना है, बैकअप टू गूगल ड्राइव इसको ऑफ कर देना है, और नीचे यहाँ पे देख सकते हो एक्सेप्ट का एक ऑप्शन है, तो एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करोगे तो ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, तो थोड़ा सा इसको यहाँ पे इसको बंद करके हम लोग एक बार फिर से चालू करेंगे, इस एप्लीकेशन को बंद कर देंगे और फिर से हम लोग इसको ओपन करेंगे, इसको बंद करके यहाँ से रिसेंट से हटा देना है। ओके, हटाने के बाद हम लोग इसको फिर से ओपन करेंगे, तो देख सकते हो हम लोगों ने जो ईमेल आईडी बनाया था यहाँ पे हम लोगों का ईमेल आईडी आ चुका है, देख सकते हो वही वाला ईमेल आईडी है जो हम लोगों ने अभी बनाया। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो गूगल कम्युनिटी टीम से भी हमको एक मेल आ चुका है, ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड अमित, देख सकते हो ये आ चुका है। ये मेल जब आपको रिसीव हो जाए, आ जाए ये वाला मेल जब आपको आ जाएगा आपके ईमेल आईडी पे जो आपने नया ईमेल आईडी बनाया, उसके बाद ही आपको यूट्यूब का अकाउंट बनाना है, ठीक है।
तो अब बात करेंगे कि YouTube का अकाउंट कैसे बनाए। तो इसको बंद करेंगे इस वाले एप्लीकेशन को और हम लोग सिंपली अपना YouTube वाला ऐप ओपन करेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन को ही ओपन करना है तो इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद देख सकते हो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। YouTube यहाँ पे आपका ओपन हो चुका है। तो सिंपली आपको ये कोने में ऊपर दिख रहा होगा ये प्रोफाइल का, यहाँ पे मार्क देख लो, रेड कलर से मैंने मार्क लगाया, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करोगे तो आपका ईमेल आईडी जो जीमेल में बनाया आपने वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है, नीचे देख सकते हो योर चैनल, तो योर चैनल पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको पिक्चर पूछा जा रहा है, नेम पूछा जा रहा है और ये हैंडल पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ से पिक्चर लगा लेना है, तो इस वाले पे क्लिक करोगे, ये जो गोल वाला कलर दिख रहा है यहाँ पे, इस पे क्लिक करना है तो आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। और आपका जो भी आप अपने चैनल का लोगो रखना चाहते हो, मतलब कि प्रोफाइल लोगो रखना चाहते हो, वो फोटो आपको पहले से यहाँ पे रख लेनी है। ठीक है, तो उसको यहाँ पे हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि मेरा स्टोरी डायरी चैनल है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आप इसको थोड़ा अच्छे से एडजस्ट कर लेना, जूम इन जूम आउट आपके हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना ताकि देखने में ये अच्छा लगे। ओके, इतना करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा ऑप्शन सेव एज प्रोफाइल पिक्चर, इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पे नेम पूछा जाएगा, तो नेम वाले ऑप्शन पे यहाँ पे देख सकते हो पेंसिल का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपना नेम को यहाँ से डिलीट कर देंगे और जो चैनल का आपका नेम है वो चैनल का नेम आपको यहाँ पे रख लेना है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, आप अपने चैनल का जो नेम रख रहे हो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए और दूसरे वर्ड का फर्स्ट लेटर भी कैपिटल होना चाहिए, कुछ इस तरीके से मैं आपको दिखा दे रहा। तो जैसे कि मेरे चैनल का नाम स्टोरी डायरी है तो मैं यहाँ पे फर्स्ट लेटर एस एस बड़ा रखूंगा और बाकी सब कुछ छोटा रखना है। ठीक है, स्टोरी और डायरी है तो डी को बड़ा रखेंगे और ऐसे करके इसको लिख लेना है। ठीक है, लिखने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर सेव करने का यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन दिख रहा है, तो सेव पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको तीसरा ऑप्शन जो दिख रहा है वो है हैंडल, तो हैंडल वाले के साइड में देखोगे पेंसिल का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस यहाँ पे जो भी आपको हैंडल, मतलब कि ये एक शॉर्टकट यूजर नेम है, ठीक है, आप इसको आसानी से अपने चैनल को यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। तो देख सकते हो इसने ऑटोमेटिक हमको 8415 लास्ट में लगा करके दे दिया है। अगर आपको इसको याद रखने में परेशानी हो रही है और आपको कोई नंबर इजिली याद रहता है तो इसको डिलीट करके आप यहां से उस नंबर को यहां पे लगा सकते हो, जैसे कि 123, ये रखने में आपको आसानी हो जाएगी, चाहे जो भी आपके मन मर्जी से। उसके बाद लिखने के बाद ऊपर देख सकते हो सेव का ऑप्शन है, तो सेव पे क्लिक कर देंगे। तो देख सकते हो कुछ इस तरीके से पिक्चर, नेम और हैंडल तीनों को मैंने यहाँ पे अच्छे से कर लिया है सेट। उसके बाद आपके नीचे देखोगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है क्रिएट चैनल, तो क्रिएट चैनल पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो थोड़ा सा ये लोडिंग लेगा और देख सकते हो आपका चैनल बनके रेडी हो चुका है। तो ये तो था कि मतलब अपने YouTube चैनल को प्रॉपर तरीके से कैसे बनाए। यहाँ पे आपको अभी आपका प्रोफाइल फोटो नहीं दिख रहा है, प्रोफाइल लोगो नहीं दिख रहा, एक बार बैक करोगे और फिर से प्रोफाइल पे यहाँ पे ऊपर क्लिक करोगे तो आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इस पे प्रोफाइल पे क्लिक करना और योर चैनल पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करोगे तो देख सकते हो स्टोरी डायरी यहाँ पे आपका आ चुका है। तो ये तो हो गया कि आपको चैनल को कैसे प्रॉपर तरीके से बनाना है, और इसके अगले वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा कि चैनल में क्या क्या सेटिंग्स करने हैं जिस वजह से आपके चैनल का व्यूज बढ़ जाए और आपका चैनल कम समय में ग्रो भी हो जाए। तो जो लोग भी चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब इसका नेक्स्ट पार्ट मैं डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो पे।